हाय दोस्त, आज क्लास 10th का माध्य निकालना सीखेंगे। माध्य कैसे निकाला जाता है दोस्त, माध्य निकालने के बाद यानी पूरा माध्य समझाने के बाद अंत में अगर समझ में आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो डिसलाइक मार के चला जाइएगा। दोस्त, माध्य निकालने के लिए चार चीज जरूरी होता है, एक वर्ग अंतराल, दूसरा बारंबारता, तीसरा वर्ग चिन्ह, चौथा होता है fx। जबकि दो चीज दिया रहता है, वर्ग अंतराल बारंबारता दिया रहता है, जबकि दो चीज निकालना होता है। चलिए इसको हल पहले कर लेते हैं, पहले हल लिखेंगे। चलिए पहले हल लिख लेते हैं यहाँ पर। इसमें लिखेंगे वर्ग अंतराल, इसमें लिखेंगे बारंबारता, इसमें लिखेंगे वर्ग चिन्ह, निम्न सीमा प्लस होता है उच्च सीमा, उच्च सीमा अबाटा में 2 होता है। अब इसमें लिखेंगे एफ एक्स, एफ गुणे एक्स कर लेंगे, ठीक। चलिए इसको समझ लेते हैं कि पहले लिख लीजिए वाला वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 10 तक, तो इसमें 0 से 10 तक, और 0 से 10 तक इसमें क्या है, 10 ले 20 पाइप कर लेते हैं, इसमें 10 ले 20 फिर कितना है, 20 ले 30 अब दिया है 30 से 40 और दिया 40 से 50 इसमें 40 से 50 फिर क्या दिया है, बारंबारता कितना दिया है, 10 से 20 के बीच में बारंबारता कितना है, 20 है, 20 ले 30 के बीच में 24, 24 ले 20 ले 10 ले 20 के बीच में 24 है, 20 ले 30 के बीच में 40 है, 30 ले 40 के बीच में 36 है, 40 ले 50 के बीच में 24 है। चलिए इसको पहले जोड़ लेते हैं, 20 जोड़ेंगे 24 और 40 36 और 20 को इतना करके करना पूरा को जोड़ेंगे, तो 20 20 कितना होगा, 40 होगा, 40 40 80 हो जाएगा, और 36 को और 24 जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 3 2 5 1 6 60 होगा, यानी 0 8 6 14 कितना होगा, 140 हो जाएगा जोड़ने के बाद, ठीक। अब वर्ग चिन्ह निकालेंगे, वर्ग चिन्ह में दिया है कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा में 2, यानी निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा जोड़ने के बाद 2 से क्या करना, भाग देना, यानी आधा निकालना है। तो चलिए इसका अंतर कितना चला, 0 से 10, 10 से 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 यानी कितना का अंतर चला है, 10 का। इसमें 10 में 0 घटाएंगे 10, 20 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा 10, 30 में से 20 घटाएंगे बचे कितना 10, 40 में से 20-30 घटाएंगे बचे कितना 10, 50 में से 40 घटाएंगे बचे कितना 10। तो अब क्या करेंगे, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। वर्ग चिन्ह क्या दिया, निम्न सीमा प्लस इसमें, निम्न सीमा क्या है 0 है, हम उस सीमा कितना है 10 है, और 2 से भाग दे देंगे, 10 में 0 जाएंगे तो कितना होगा, 10 बटा में 2 यानी भागा देंगे तो कितना बार कटेगा, 5 बार में कट जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, 10 से 20 करेंगे, 10 प्लस क्या होगा, 20 बटा में 2 से यानी कितना होगा, 30 बटा में 2 यानी 15 दुना का 30 यानी 15 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर इसको क्या कहेंगे, 20 प्लस 30 में से भाग देंगे कितने 2 में, 20 प्लस 30 सूचो को किससे भाग देंगे 2 से, तो कितना होगा, 20 30 50 बटा में कितना कहेंगे 2, 25 दुना का 50 यानी 25 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे कि 30 प्लस कितना करेंगे 40, तो 30 प्लस 40 बटा में 2 यानी 40 30 70 बटा में 2 कर लेंगे यानी 35 बार में। तो अब 40 प्लस 50 जोड़ेंगे तो 40 प्लस 50 बटा में 2 कर लेंगे, 50 40 90 बटा में 2 यानी 45 दुना का 90, 45 बार में कट जाएगा, ये भी कितना 35 बार में कटेगा। इससे क्या मालूम चलता है कि 10 के जब यहाँ पर अंतर चल रहा है 10 10 का, तो इसमें जोड़िए देखिए, तो 10 यानी 5 आएगा कटाने के बाद, 5 में 10 जुड़ा हुआ है तो 15, अब 15 में 10 जुड़ेंगे कितना होगा 25, 25 में 10 जुड़ेंगे तो 35, 35 जोड़ेंगे 10 जुड़ेंगे कितना होगा 45। अगर अंतर यहाँ पर समान चल रहा है कि 10 में से 0 घटाने पर 10, 20 में से 10 घटाने पर 10 यानी 10 10 का अंतर आ रहा है, इसमें भी कितना का अंतर आ रहा है 10 10 का अंतर आ रहा है, तो चाहते थे आप एगो निकाल कर यानी 0 प्लस 10 को यानी वर्ग चिन्ह में
पहला निकाल कर बाकी क्या करते, दस दस जुड़ते चले थे, इतना निकालने की यदि मतलब इतना निकालना ही नहीं था। इसमें क्या करते थे, पांच में दस जुड़ेंगे पंद्रह हो जाएगा, पंद्रह में दस जुड़ेंगे तो कितना होगा पच्चीस, पच्चीस में दस जुड़ेंगे तो कितना होगा पैंतीस, पैंतीस में दस जुड़ेंगे तो कितना होगा पैंतालीस निकाल लेते। चलिए अब इसको निकालेंगे, कुछ एफ एक्स निकालेंगे, एफ के मान कितना दिया, एफ के मान बीस दिया है, बीस गुणा एक्स के मान कितना है, एक्स मान पाँच है, तो बीस पाँच कितना होगा सौ हो जाएगा। ठीक, उसे इसमें देखेंगे आप, एफ के मान कितना है, एफ के मान चौबीस, एक्स मान पंद्रह, तो चौबीस गुणे पंद्रह कर लेंगे। ठीक, अब इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है चालीस और इसमें दिया कितना है पच्चीस, तो चालीस गुणे पच्चीस कर लेंगे। ठीक, अब इसमें क्या दिया, छत्तीस गुणे पंद्रह, यानी छत्तीस गुणे पंद्रह नहीं छत्तीस गुणे पैंतीस दिया। ठीक, बीस में गुणा किसमें करेंगे पैंतालीस में, तो बीस गुणे पैंतालीस कर लेंगे। अब चलिए इसको गुणा कर लेते लेंगे, चलिए गुणा कर लेते हैं, चौबीस में पंद्रह में गुणा करेंगे ना, पंचों का बीस हासिल कितना होगा दो, पाँच दस दो बारह, फिर चार एकम चार दो एकम दो कर लेंगे जीरो, आठ चार दो छः हो जाएगा, चार दो छः दो एक तीन, यानी तीन सौ कितना होगा साठ होगा। अब इसमें गुणा कर लेंगे, अब इसमें गुणा करेंगे यानी कितना में, पच्चीस में गुणा कर लेंगे या किस में चालीस में, इसलिए गुणा करना है पच्चीस चौगा कितना होगा सौ हो जाएगा, एक जीरो तो जीरो छप देंगे यानी कितना होगा एक हजार हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, छत्तीस में पैंतीस में गुणा करेंगे, छत्तीस में और पैंतीस में गुणा कर लेंगे, चलिए तीस होगा छः पाँच, अब पचते पंद्रह तीन अठारह होगा, अठारह हो जाएगा छत्तीस, और तितली का नाम एक दस यानी जीरो सोलह दो एक यानी बारह सौ कितना होगा बारह सौ साठ हो जाएगा। अब इसमें गुणा करेंगे तो पैंतालीस दुना का नब्बे हो जाएगा, एक जीरो है तो जीरो छाप देंगे। ठीक, यानी नौ सौ। अब क्या करेंगे कि सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स लिख के जोड़ देंगे, यानी सिग्मा एफ एक्स बराबर, सिग्मा मतलब क्या होता है जोड़ होता है, समझ के जोड़, यानी एफ एक्स के मान को सबको क्या करना जोड़ना है। चलिए जोड़ लेते हैं, सौ में जोड़ेंगे तीन सौ और कितना एक हजार और बारह सौ साठ और नौ सौ, इतना पूरा जुड़ते चल देंगे। तो चलिए यहाँ पे जोड़ते हैं, सौ कर लेंगे, तीन सौ साठ कर लेंगे और कितना है एक हजार कर लेंगे और बारह सौ साठ कर लेंगे और कितना है नौ सौ कर लेंगे। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, जीरो हो जाएगा बारह, नौ दो ग्यारह, ग्यारह तीन कितना होगा ग्यारह तीन चौदह एक पंद्रह एक सोलह हो जाएगा, एक दो एक तीन हो जाएगा। ठीक, यानी छत्तीस बीस आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे कि माध्य निकालना हमको, तो माध्य बराबर फॉर्मूला का यूज करेंगे। चलिए माध्य बराबर फॉर्मूला यहाँ पर लगा लेते हैं, तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में एन होता है। ठीक, तो सिग्मा एफ एक्स का मान दिया कितना दिया बारह सौ साठ, बारह सौ बीस दिया, छत्तीस बीस दिया, कितना दिया छत्तीस बीस, यानी छत्तीस सौ बीस, इसमें कितना दिया है एन के मान दिया कितना एक सौ चालीस, एक सौ चालीस दिया है, एक सौ चालीस करेंगे जीरो जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बच्चे कितना तीन सौ बासठ बटा में चौदह। अब अतना पेंसिल मारे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए अब तीन सौ चौदह में तीन सौ तीन सौ बासठ में चौदह से भाग दे लेंगे इसमें, तो क्या होगा चौदह दोनों का अट्ठाईस हो जाएगा, बचेगा आठ, कैसे कैंसिल देगा ना, सोलह में से आठ घटाएंगे बचेगा कितना आठ, दो में से एक दो घटाएंगे कितना कट घट हो जाएगा जीरो बचेगा, फिर क्या तो उतरेंगे दो उतरेंगे बयासी, चौदह का पढ़ा बयासी है, चौदह पढ़ा बयासी नहीं है, तो चौदह पाँच सत्तर होता है, चौदह छः चौरासी, चौरासी बीस चौदह पाँच सत्तर होगा, तो सत्तर घटा देंगे तो बचेगा दो एक, फिर दस मिनट देखिए आपको देंगे कैसे कि चौदह का पढ़ा बारह नहीं है, यहाँ पर कुछ अंक नहीं उतारे तो यहाँ पर जीरो दे देंगे, दशमलव दे के क्या देंगे जीरो। अब देखेंगे चौदह के पहाड़ा में एक सौ बीस है नहीं, एक सौ बीस नहीं है, एक सौ बारह है, कितना बार में है आठ बार में, बच्चे कितना घटाएंगे दस में से दो घटाएंगे तो बचेगा आठ, एक में से घटाएंगे तो कट हो जाएगा, यानी मतलब घर के जीरो बचेगा। अब क्या करेंगे फिर एक अपने मन से जीरो उतार लेंगे, तो चौदह पाँच है सत्तर होता है, इतना इतने पर छोड़ देंगे यानी पच्चीस पॉइंट पचासी आएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक,